हांसी पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा गोदारा के आदेश अनुसार गुरुवार को डीएसपी नरेंद्र काद्यान व महिला पुलिस थाना प्रभारी उप निरीक्षक कमलेश देवी ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर महिलाओं को में जागरूकता अभियान चलाया। डीएसपी नरेंद्र काद्यान व महिला थाना प्रभारी कमलेश ने शहर महिला आईटीआई व शेखपुरा गांव तथा ऑटो मार्केट के समीप झुग्गी झोंपड़ी में पहुंचकर महिला एवं बच्चों को महिला अपराध एवं बाल अपराध को रोकने के लिए जागृत किया तथा महिलाएं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं महिला आईटीआई में छात्राओं को जागरूक करने पहुंचे डीएसपी नरेंद्र काद्यान के समक्ष छात्राओं ने आईटीआई आने जाने में होने वाली समस्याओं को रखा। छात्राओं ने कहा कि उनका संस्थान राजमार्ग पर होने के कारण उन्हें यहां अधिकांश बसें लेट बेलेट रूट की बसें चलती हैं और लंबे रूट के बस चालक संस्थान के समक्ष अपनी बसों को नहीं रोकते, जिसके चलते उन्हें संस्थान आने व वापस जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, हमें इसमें सुबह आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो हम चाहते हैं कि 9:45 बजे से यहाँ से बस चलनी चाहिए, जो हम लड़कियों को वहाँ से लेके आए और शाम को 4:30 बजे वापिस हमें यहाँ से छोड़ के आए। इस मुद्दे पर डीएसपी नरेंद्र काद्यान ने तुरंत हिसार डिपो के जीएम से फ़ोन पर बात कर उन्हें छात्राओं की समस्या से अवगत करवाया और जीएम ने डीएसपी नरेंद्र काद्यान को छात्राओं के बस समस्या का तुरंत समाधान किए जाने का आश्वासन देते हुए शुक्रवार से ही आईटीआई के लगने व छुट्टी के समय बस चलाने का आश्वासन दिया। आज महिला विरुद्ध अपराध के बारे आईटीआई में एक मीटिंग ली गई है और बच्चों को इसके बारे जागृत किया गया है कि भाई जो भी अपराध होते हैं उसको जो है तुरंत पुलिस को या अपने पेरेंट्स को तुरंत सूचित करें ताकि अपराध पे पाबंदी लगे, और जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में भी उनको अकेला ना छोड़ें, ताकि आजकल जो हर रोज़ न्यूज़पेपर में आ रही है कि भाई छोटे बच्चे के साथ ऐसे कर दिया, पड़ोस में ऐसे कर दिया, तो इस बारे में अवेयर किया गया बच्चों को, तो पूरा आश्वासन दिया है कि ये यंग बच्चे हैं और अपने पेरेंट्स को और अपने अड़ोस पड़ोस में सबको ये समझाएंगे। हेल्पलाइन नंबर है वो भी इनको बताया है कि कोई भी आपके साथ कोई ऐसी हरकतें करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि हम उस पर पाबंदी लगाएं। ठीक है सर।